नमस्कार, आप देख रहे हैं वीर और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। वीर में आज हम बात करेंगे उनकी जिन्होंने इतिहास में कभी किसी की गुलामी नहीं कबूली, जिन्होंने अपनी वीरता, शौर्य और साहस से मातृभूमि के हर दुश्मन को परास्त किया, देशवासियों के लिए सदियों बलिदान दिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बरेली के जाट रेजिमेंटल सेंटर में और आज वीर में हम बात करेंगे जाट रेजिमेंट के शूरवीरों की। संगठन व वीरता, इस ध्येय के साथ पिछले 223 साल से देश की सेवा और देशवासियों की रक्षा कर रही जाट रेजिमेंट इंडियन आर्मी की सबसे पुरानी इन्फेंट्री रेजिमेंट्स में से एक है। ९५ में अंग्रेजों ने इस रेजिमेंट का गठन किया और तब से आज तक इस रेजिमेंट ने शौर्य और वीरता के कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जाट रेजिमेंट जो है उसकी हम स्थापना मानते हैं जुलाई 1795 से, और जो जाट रेजिमेंटल केंद्र है जहां आज हम ये बैठे हुए हैं इसकी स्थापना मानते हैं आगरा में 20 नवंबर 1920 में, जो कि बरेली में हम लोग हैं 1922 से। तो इससे हमारे इतिहास की शुरुआत है। जैसे कि आपने बोला, ये अंग्रेज़ों के ज़माने की हमारी रेजिमेंट है और प्योर क्लास कॉम्पोजिशन है आज की डेट में जाट। जाट रेजिमेंट में 96% जाटों की भर्ती की जाती है जो उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों से आते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में जाट रेजिमेंट के ट्रेनिंग सेंटर में युवा जाट रिक्रूट्स को कड़े शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण से गुजारकर भारतीय सेना के रंग और ढंग में ढाला जाता है। यहाँ पे हम इनको टोटल 34 हफ्तों की ट्रेनिंग देते हैं। ये हमारे पास कच्चा लोहा बन के आते हैं और जब ये ट्रेनिंग खत्म होती है तो ये ट्रेनिंग की आग में तप के फौलाद बन के यहाँ से निकलते हैं। हम बेसिकली तीन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं या फोकस रखते हैं, वो है फिजिकल फिटनेस, ड्रिल और फायरिंग। ड्रिल की अहमियत सिर्फ इतनी है कि जो एक युवा हमारे पास आता है उन सब को एक टीम में, एक चाल में, एक ढाल में ढाल। भारतीय सेना के जांबाज सैनिक बनने के लिए ये युवा ट्रेनी युद्ध की तमाम कलाएं सीखते हैं। इन्हें हथियारों के साथ और हथियारों के बगैर दुश्मन को ढेर करने के दाव पेचों में निपुण किया जाता है। अपनी लाइट मशीन गन्स और राइफल्स के साथ जाट रेजिमेंट के जवान तैयार है और मेरे साथ मौजूद है इनके ट्रेनर नायक कृष्ण चंदर। उस्ताद, जवान तैयार है? मैडम, जाट रेजिमेंट के जवान हमेशा लड़ाई के लिए तैयार ही रहते हैं। यहाँ पर रिक्रूट्स को ट्रेनिंग के दौरान कठोर से कठोर प्रशिक्षण देकर LMG और राइफल्स का फायर अच्छे प्रकार से सिखाया जाता है ताकि लड़ाई के मैदान में एक गोली एक दुश्मन का मुद्दा आसानी से हासिल कर सके और एक अच्छी महारत हासिल कर सके। बेसिक ट्रेनिंग के अंदर यहाँ पर रिक्रूट को राइफल का ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे ही रिक्रूट राइफल की ट्रेनिंग में महारत हासिल करता है उसके बाद उसको LMG, 9M पिस्टल, नंबर 36 हैंड ग्रेनेड इत्यादि कार्बन वेपन का ट्रेनिंग दिया जाता है। युद्ध में, आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशंस में सेना के जवानों को हर तरह के हालात का सामना करना पड़ता है। नदियां, जंगल, नाले, पहाड़, हर तरह के मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ता है। इन्हीं स्थितियों से निपटने के लिए उन्हें यहाँ कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है इस तरह की बाधाओं पर। ये ऑब्स्टिकल्स फिजिकली कम डिफिकल्ट, दे आर मेंटली मोर डिफिकल्ट। और बेसिकली यहाँ पे मेंटल टफनिंग अप के लिए रिक्रूट्स को उनकी फाइनल स्टेजेस, दैट इज एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग स्टेज में यहाँ पे लेकर के आते हैं। सेना के जवानों को युद्ध के हालात में नदी नालों से, कीचड़ से, हर तरह की जगह से गुजरना पड़ता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जवान जो है इस तरह से नाले से जब गुजरते हैं तो उसकी प्रैक्टिस इनको यहाँ पे दी जाती है ताकि कैसे भी हालात हो, कैसी भी स्थिति हो, कैसा भी टेरेन हो, पानी हो, नदियाँ हो, नाले हो, जंगल हो, खाइयाँ हो, हर
किसी को पार करके ये दुश्मन तक पहुंच सकते हैं, दुश्मन को नष्ट कर सकते हैं। मेरे साथ यहाँ पर नायब सूबेदार संजीव हैं और इनसे हम जानते हैं। नायब सूबेदार संजीव, ये यहाँ जो ट्रेनिंग हो रही है इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये मैम एक बैटल इंक्रेंस का एक पार्ट है जो कि रिक्रूट को लास्ट स्टेज पर दिया जाता है, जिससे कि लड़ाई के लिए अच्छी तरह से तैयार हो सके, चाहे वो लड़ाई में हो चाहे किसी आपदा में जाएं, तो वहाँ पे अच्छे से अच्छा काम करके और सेना का नाम रोशन करें। बिल्कुल, जैसा कि उन्होंने बोला कि आपदा आप सोच सकते हैं कि जब जैसे उत्तराखंड में बाढ़ आई थी या कश्मीर में बाढ़ आई थी, तो उसमें पानी चारों तरफ था और लोगों को रेस्क्यू हमारे जवानों को करना था, और हमारी सेना आपदा प्रबंधन का काम बहुत करती है, राहत और बचाव कार्य बहुत करती है। और ये जो ट्रेनिंग खास तौर से है पानी में से निकलने की या बाढ़ जैसे हालात में लोगों तक राहत पहुंचाने की, वो जवानों के बेहद काम आती है। हमने अक्सर ऐसी तस्वीरें देखी हैं जहां हमारे जवान जाते हैं। केरल में हमने हाल में देखा किस तरह से कितना मुश्किल राहत और बचाव कार्य जो था, अभियान था, हमारी फोर्सेस ने, हमारी सेना ने, वायुसेना ने और नौसेना ने चलाया, और उसकी जो ट्रेनिंग है, जो बुनियाद है, वो इस तरह रखी जाती है। जाट रेजिमेंट में 96% जवानों की भर्ती जाट समुदाय से होती है और ये अधिकतर पश्चिमी यूपी, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से आते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं अजमेर राजस्थान से आया हूँ। और आपका नाम? मेरा नाम रिक्रूट देवेंद्र कुमार डूडी है। अच्छा, सेना में आने के बाद कैसा लगता है आपको? मुझे प्राउड फील हो रहा है कि जब मैं गांव में जाता हूँ तो सम्मान मिलता है और देश की सेवा करने का मौका मिला है। आपके परिवार में और कोई फौज में है? नहीं। आप पहले फौजी हैं? हाँ। गर्व महसूस होता है? हाँ मैम। बिल्कुल। आप कहाँ से? मैं हरियाणा से चरखी दादरी से हूँ। हरियाणा में तो जो जाट समुदाय के लोग अधिकतर खेती बाड़ी करते हैं, जमींदारी करते हैं, तो आपने फौज में आने की कैसे सोची? फौज देश की सेवा का मौका मिला और यहाँ सम्मान भी ज़्यादा मिलता है, इज्जत करते हैं फौजी की, और यहाँ गाँव में जाते हैं बड़ी शान से बोलते हैं। आपके गाँव में और भी लोग हैं फौज में? हाँ, मेरे गाँव में, मेरे परिवार में मेरी पहली नौकरी है फौज में, इसलिए गर्व महसूस हो रहा आर्मी में। आप कहाँ से हैं? मैं अजमेर राजस्थान से हूँ। जी, तो अजमेर में जब रहते थे और अब यहाँ इधर जाट रेजिमेंटल सेंटर में ट्रेनिंग पा रहे हैं, भारतीय सेना का हिस्सा है, कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा, प्राउड फील हो रहा है क्योंकि यहाँ का जो फिजिकल स्टैंडर्ड है बहुत अच्छा है। गाँव में इतना स्टैंडर्ड नहीं था, बट यहाँ कुछ अच्छा देखने को मिला मेरे को। बचपन से ही आपको शौक था सेना में आने का? बचपन से ही मुझे सेना में आने का बहुत अच्छा शौक था, तो मैंने अपना टारगेट शुरू से बना रखा और उसको टारगेट को हासिल किया। गांव में और भी लोग हैं सेना में? गांव में हैं बहुत सारे, मेरे फैमिली में से भी है, मेरे पापा है, मेरे भाई है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैं आज देश की रक्षा के लिए एक तैयार जवान तैयार हो रहा हूँ। आप? हाँ, मेरे गाँव में बहुत ज़्यादातर फौजी हैं, मेरे घर के अगल बगल में जितने भी पास में सभी फौजी हैं, उन्हें देख के प्रेरित हुए थे। मेरे फादर भी फौजी हैं, उनसे रिलेशन के द्वारा मैं भर्ती हुआ हूँ। यानी पूरा खानदान, फैमिली जो है वो फौज में है? हाँ हाँ, मेरे पूरे फैमिली में सभी आर्मी से ही बिलोंग करते हैं। और वो भी जाट रेजिमेंट में? हाँ, मेरे फादर भी जाट रेजिमेंट 5 जाट से थे। तो जाट रेजिमेंट को आप बचपन से देखते होंगे, ये जो यूनिफॉर्म और ये सब देख के आपको भी लगता था कि मैं भी यही पहनूंगा, पगड़ी हो रही है? हाँ, पोस्टिंग पापा जाते थे, पापा के साथ रहते थे, जब भी देखते थे तो बहुत अच्छा लगता था देखते हुए, ड्रेस में सभी डिसिप्लिन सभी बहुत अच्छा लगता था। तो ये तो रिक्रूट्स हैं जो अलग अलग, आपने देखा, अलग अलग इलाकों से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हैं और इकट्ठा यहाँ पर ट्रेनिंग इन्होंने पाई है। इनके ट्रेनर भी हमारे साथ हैं, हरकेश बैंसला। हाँ जी। आप कहाँ से? मैं राजस्थान अलवर से बिलोंग करता हूँ। तो आप ये जो लड़के आते हैं, युवा आते हैं, इनको आप जब ये गांव से आते हैं उसके बाद आप इनको यहाँ ट्रेन करते हैं, तो क्या क्या स्टेजेस होते हैं? ये गांव से आते हैं, बिल्कुल सिविलियन के तौर पर आते हैं, हम इन्हें यहाँ फिजिकल तौर से और मानसिक रूप से मजबूत करते हैं और एक इन्हें अच्छा सैनिक तैयार करते हैं, और इन्हें आने से हमें ड्रिल एक डिसिप्लिन की बुनियाद है, एक साथ मिलकर काम करना, एक साथ रहना, एक साथ सब कुछ करना इनको हम सिखाते हैं और अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। इनका जो वॉर क्राई है, जो हमने जगह जगह होर्डिंग्स पे भी देखा, और जो जाट रेजिमेंट का वॉर क्राई है यानी युद्ध का उद्घोष, जब युद्ध के मैदान में जाट रेजिमेंट के शूरवीर जाते हैं तो वो उस उद्घोष के साथ आगे बढ़ते हैं, वो है जाट बलवान जय भगवान। जय बलवान, जय बलवान, जय बलवान, जय बलवान, जय बलवान, जय बलवान, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत।
जाट जैसा कि आप जानते हो, ये हमारे पास बेसिकली तीन स्टेट्स नॉर्थ इंडिया के वहाँ से आते हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। और ये तीनों ही स्टेट्स बेसिकली एग्रेरियन यानी कि खेतीबाड़ी से ताल्लुक़ रखती है। और जो इंसान खेतीबाड़ी और अपनी ज़मीन से प्यार करता है, वो ज़रूरी बात है वो ट्रांसलेट हो जाता है अपने जो देश से उसको प्यार होता है। तो जाट जो इस तीन स्टेट से हमारे को मिलते हैं, उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है मोटिवेशन। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रिक्रूट नीरज कुमार। रिक्रूट नीरज कुमार यूपी के मथुरा से हैं, जाट रेजिमेंट में आए हैं। नीरज, ये जो गा रहे हैं, ये क्या गा रहे हैं? ये आपकी जाट रेजिमेंट का गाना है जी? क्या गा रहे हैं? ये जाट गाना गा रहे हैं जी। गाना बताइए हमें क्या है। जाट बलों, जाटों का इतिहास हमारे भारत का इतिहास है, सदा संगठन और वीरता का जाटों में वास है, सदा संगठन और वीरता का जाटों में वास है। भारत माँ के पूतियाम जाट सभी बलवान है, डोकराई के समरवेता मातृभूमि की शान है, सोमनाथ का स्वरदार हम गगननी से लाए थे, जो भी दुश्मन हमसे उलझा सीमा पार भगाए थे, सीमा पार खड़े दुश्मन को जाटों ने ललकारा है, जाट बलवान जय भगवान गूंजा जंगी नारा है, जाटों का इतिहास हमारे भारत का इतिहास है, सदा संगठन और वीरता का जाटों में वास है, जाटों का इतिहास, जाटों का इतिहास, जाटों का इतिहास, जय हिंद जय भारत। रिक्रूट नीरज ने ये गाना गाया जाट रेजिमेंट का, और जो भाव इनके चेहरे पर है, जो जज्बा आप देख रहे हैं, यही जज्बा इन शूरवीरों का होता है जब ये युद्ध के मैदान में जाते हैं और दुश्मन का सामना करते हैं, और उस वक्त दुश्मन का क्या हाशर करते हैं और हाल करते हैं आप सोच सकते हैं। जाट रेजिमेंटल सेंटर में मेरे साथ ये जो ग्रुप खड़ा है, ये बेहद ख़ास है। अंग्रेज़ों के ज़माने में बनी थी जाट रेजिमेंट 1795 में, और ये जो ग्रुप खड़ा है, ये मेजर बेंसन है जो कि जाट रेजिमेंट में थे और भारतीय सेना में सर्व कर चुके हैं, लेकिन अब इंग्लैंड वापस जा चुके हैं। ये हमारे साथ डॉक्टर हिजलॉप हैं। इनके पिता जाट रेजिमेंट में थे और इतना इमोशनली और भावनात्मक रूप से ये अपने आप को जुड़ा हुआ पाते हैं जाट रेजिमेंट से कि ये यहाँ इंग्लैंड से चलकर बरेली आए हैं जाट रेजिमेंट के रेजिंग डे में हिस्सा लेने। और ये इनके साथ में जॉर्ज हैं, डॉक्टर हिजलॉप के बेटे हैं, और ये जॉर्ज को ये दिखाने लाए हैं कि बेटा तुम्हारे दादा जिस रेजिमेंट में थे, ये उसका रेजिमेंटल सेंटर है। तो ये सब लोग इंग्लैंड से खास तौर से यहाँ बरेली आए हुए हैं जाट रेजिमेंटल सेंटर में। सबसे पहले बात करूँगी मेजर बेंसन में, जो आज़ादी के बाद भी कई साल तक भारतीय सेना में जिन्होंने सेवा दी है अपनी। मेजर बेंसन, थोड़ी बहुत हिंदी इनको अब याद है, काफ़ी समय से इंग्लैंड चले गए थे। मेजर बेंसन, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे हिंदी में कुछ? मैं 7 जाट में था नागालैंड में, और 7 साल के लिए हमने काम किया है नागालैंड में। तो वहाँ पे मैं इंग्लैंड में जाट रेजिमेंट का ऑफिसर्स एसोसिएशन का सेक्रेटरी बन गए। तो मैं इंडियन कमीशन ऑफिसर यूके में जाट रेजिमेंट एसोसिएशन ऑफिसर्स एसोसिएशन तकरीबन 30 साल के लिए मैं सेक्रेटरी जो हुआ। और फिर कब आप, व्हेन डिड यू गो बैक टू इंग्लैंड? नहीं, आई लेफ्ट इन 76 बिकॉज माई फैमिली हैड मूव देयर। तो आई कंटिन्यूड माई एसोसिएशन विद द जाट्स, एंड बिल्स फादर वॉज एट दैट टाइम अलाइव, इज अ फाउंडर मेम्बर ऑफ द जाट ऑफिसर्स एसोसिएशन, एंड सो आई गॉट इनटू इट एंड आई बीन सेक्रेटरी नाउ फॉर नियरली 30 इयर्स। डॉक्टर हिजलॉप, you were not a part of the Indian Army or Jat regiment, but your father was, and you feel so sentimentally attached that you've come all the way from England. It's not the first time either. I came with my father first. He brought me here in 1985, and then I came by myself in 2000, and now I've come this time to bring my son here as well, because we are very much attached to the regiment. It was very much part of my father's life, and he got that same feeling for the Jat regiment into my life. George, what do you know about the Jat Regiment? I've learned a lot over the past couple of days, and it's very interesting to learn what goes on here. I feel very honoured to come here, and I think everyone's very welcoming, and I think they're honoured to have me, but I feel more honoured to be here.
What stories did your father tell you about the regiment? Oh, have you got an hour, 2 hours, 3 hours? Briefly, if you could tell us. No, my father. The stories that you remember the most. My father told me many stories. He was here for the war, and that's in the Second World War, and that's when he was fighting. But he talked more about the comradeship, the social times, the wonderful parties, and his relationship with all the Indian officers. And many of them would come and join us in England over the years, and we would always host them, have them to our house for meals and so on. What did he tell you about the Jat troops? He said they're the best in the world. The best in the world. Dunya mein sab sarvashreshth hai. Dr. Hislop ke pita ne, jo ki us waqt azadi se pehle Jat regiment mein the, Bharatiya Sena mein, unhone inhe ye bataya. Major Benson, to aap to serve kar hi chuke hain Jat regiment mein. What has your experience been like with the Jat troops? My experiences are, I was in for 4 years in Nagaland. We lost an officer, my dear brother, Captain Aluwalia. And I was in that operation. Could have been me, but it was unfortunately Aluwalia. I've got to say something that has always been in my life. I was asked to go to Dimapur to welcome his father, who had come for the final rites. And the imposing Sikh gentleman came down and he asked me, "Were you with my son when he was killed?" And I said, "Yes, I was." And he said, "Tell me something, beta. Mera bete ke jo hai na, panch goli mera. Wo chhati mein mila ya peeth pe mila?" I said, "Nahi sir, chhati mein." And he just hugged me and said, "Main to bahut khush hoon." He's sad because his son is not there, but his son took 5 bullets in the chest. And that has remain with me for the rest of my life. बिल्कुल मेजर बेंसन ने जो बताया ये बहुत ही एक भावुक करने वाली कहानी है जो उन्होंने अपने एक साथी के बारे में बताई जो उनके साथ जाट रेजिमेंट में थे और ये दोनों नागालैंड में पोस्टेड थे और जैसा कि मेजर बेंसन ने बताया कि वो शहीद हो गए मेजर आलू वाले हाँ वो शहीद हो गए और काउंटर इंसर्जेंसी ऑप्स में और फिर जब उनके अंतिम संस्कार के वक्त उन ऑफिसर के पिता आए और वो क्योंकि जानते थे कि मेजर बेंसन उनके दोस्त हैं तो उन्होंने इनसे पूछा कि बेटा ये बताओ कि मेरे बेटे को जो गोलियां लगी वो छाती पे लगी या पीठ पे लगी तो मेजर बेंसन ने उन्हें बताया कि 5 गोलियां उनकी छाती पे लगी तो वो रो रहे थे लेकिन रोते रोते बहुत खुश हो गए कि मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे बेटे ने अपने सीने में 5 गोलियां ली मातृभूमि की सेवा करते हुए और मेजर बेंसन कहते हैं कि ये बात हमेशा उनके दिलो दिमाग में रही है और ताउम्र रहेगी क्योंकि इस एक घटना ने उन्हें पूरी तरह से झकझोर दिया उन्हें इतना ज़्यादा जाट रेजिमेंट के सोल्जर्स के साथ जोड़ दिया कि अब जब भी वो इस रेजिमेंट के बारे में सोचते हैं ये किस्सा ये उनकी बहादुरी को लेकर जाट सोल्जर्स की बहादुरी और शौर्य को लेकर ये किस्सा जो है हमेशा उनके दिमाग में रहता है थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर टॉकिंग टू अस इट्स बीन अ प्रिविलेज एंड इट्स बीन वंडरफुल टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू जाट रेजिमेंट पर वीर का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें जरूर ट्वीट करें अगले हफ्ते बात करेंगे उन जाट योद्धाओं की जिन्होंने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया जय हिंद